तो आज मैं आप लोग को बचे हुए ब्रेड के किनारे वाले से किस तरह मिठाई बनाते हैं वो भी आसान तरीके से बताऊंगी। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड मिक्की में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को ब्रेड के क्रम से बचे हुए ब्रेड क्रम से मिठाई बनाऊंगी। जो साइड वाला ब्रेड का बच जाता है उसी से आज मैं आपको मिठाई बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही आसान है। तो ये हमारा एक कप दूध है लगभग, ले लेंगे, गैस को ऑन कर लेते हैं। अब इसमें उबाल आने तक थोड़ा सा इसे पकाना है। दूध में उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए ब्रेड का साइड वाला हमारा बच चुका था, मैंने इसे यूज किया था और ये इतना बच गया था, तो मैं सुनने सोचा कि इसकी मिठाई बना देती हूँ। तो अब ये देखिए दूध हल्का सा उबाल आ गया है, तो यहाँ पर अब डाल देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर एक कटोरी डालेंगे। अब इसे क्या करना है, अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करना है इस तरह जिस तरह इसमें गुठलियां ना रहे, और पूरी गुठलियां निकल जानी चाहिए, इसलिए ज्यादा दूध को उबालना नहीं है। हल्का सा जब गर्म हो जाएगा उसके बाद ही इसे डालेंगे। ज्यादा गर्म में डालेंगे तभी गुठलियां पड़ती है मिल्क पाउडर में। तो ये देखिए आसानी से हमारा ये गुठलियां निकल गया है। तो दूध को हमें एकदम गाढ़ा करना है, दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि मिल्क पाउडर हमने डाला है। मिल्क पाउडर डालने से जल्दी दूध गाढ़ा हो जाता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप सोचेंगे मैं क्या करूं, तो उसके बिना भी बन जाता है। दूध की क्वांटिटी आप थोड़ा सा बढ़ा दे और उसे गाढ़ा कर दे, जिस तरह मावा बनाते हैं। ज्यादा दूध नहीं लगेगा इसमें क्योंकि ब्रेड जो होता है तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है दूध को, इसमें दूध की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मैंने एक ही कटोरा दूध दिया है छोटे कटोरे से, और उसके बाद एक कटोरा मिल्क पाउडर दिया है। ये देखिए दूध में अच्छे से हमारा उबाल आ रहा है, तो यहाँ पर अब डाल देंगे मिल्क पाउडर, सॉरी मिल्क पाउडर नहीं, नारियल का बुरादा। तो ये देखिए ज्यादा नहीं, मिल्क पाउडर थोड़ा सा डालना है। तो ये डाल दिए मिल्क पाउडर, पहले मिल्क सॉरी नारियल का बुरादा ही डालेंगे, कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाता है, तो आप प्लीज इसके लिए कमेंट्स ना करें। तो ये देखिए अब इसे गाढ़ा कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इलायची पाउडर नहीं दे रही हूँ, उसके बिना भी बना रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। इसे गाढ़ा होने में अब टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी जिस कटोरी से मिल्क पाउडर दी थी उसी कटोरी से, आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा है, जब भरकर नहीं देंगे क्योंकि मिल्क पाउडर भी जो होता है वो मीठा होता है, तो बस चीनी ज्यादा हमें नहीं देना है। अब यहाँ पर जब चीनी डाल देंगे तो तुरंत ही नारियल का सॉरी ब्रेड का क्रम्स दे देंगे। तो आज ज्यादा ही मिस्टेक हो रहा बोलने में। तो बस अब इसे क्या करना है, हमें मिक्स करना है अच्छे से। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी मिठाई बनेगी, आप एक बार जरूर ट्राई करिए। अगर नारियल का बुरादा नहीं है तो आप उसे भी नहीं दे सकते, अगर आप नहीं खाते हैं तो उसके बिना भी आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी मिठाई बनेगी। तो ये नारियल का बुरादा था, ये पूरी तरह से ऑप्शनल था, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो उसके बिना भी आप इसे बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये मिठाई बनकर तैयार होती है। थोड़ा सा था लेकिन देखिएगा बनकर बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा। तो बस इसे अब हमें इसे पकाना है। अब इसमें हल्का सा घी डालेंगे, जितना मैं डाल रही उतना ही डालना है क्योंकि घी डालने से शाइनिंग आएगा मिठाई में, तो ये शाइनिंग के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें घी देना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा शाइनिंग अच्छा लगता है अगर मिठाई में, तो देखने में अच्छा लगता है। तो बस अब इसे अच्छे से पकाना है। गैस के फ्लेम को मीडियम में रखेंगे, हाई नहीं रखना है, हाई रखेंगे तो ये जल जाएगा, लेकिन इसे पकाना जरूरी है। थोड़ा सा पकाने से सोंधी सोंधी खुशबू अगर जब आने लगेगी तो मिठाई समझिएगा तैयार हो गया है।
तो अभी इसे बाकी है, तो 2 से 3 मिनट और भूनेंगे तब ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए एकदम ये डो जैसा हो गया, और ये देखिए पैन भी छोड़ दिया हमारा, तो बस अब ये क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अब चलिए इसकी मिठाई बना लेते हैं। अब कोई भी बर्तन में ले लेंगे इसे और इस तरह निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे कट करेंगे। बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ये आराम से कट हो जाएगा। बस इसे फैला लेंगे, जब ये गर्म रहे तभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा इस तरह स्प्रेड कर देती हूँ। गर्म ही डालिएगा, देखने में अच्छा लगता है और खाने में अच्छा भी लगेगा, क्योंकि नारियल का बुरादा बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्ट भी इसका अच्छा आता है। तो ये देखिए हल्का सा इस तरह इसके ऊपर इस तरह फैला लेना है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको देने का मन है तो दीजिए, नहीं तो इसके बिना भी आप इसे खाइएगा, अच्छा लगेगा। तो बस अब इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब इसे कट कर लेंगे। तो आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा आपको इच्छा है आप दे सकते हैं। तो इस तरह मैं इसे कट कर लेती हूँ और तो ये देखिए मेरी मिठाई बनके तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा और दानेदार बनता है, ये देख सकते हैं ये दानेदार बनता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो तोड़ के भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए अंदर तक का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, तो आप एक बार जरूर से ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर, बाय।